हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एथिक्स इन बेंचमार्किंग एंड टीक्यूएम। बेंचमार्किंग क्या है, टीक्यूएम क्या है, ये दोनों जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो लिस्ट है उसमें इन दोनों टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब बेंचमार्किंग और जो टीक्यूएम है उसमें एथिक्स का क्या रोल है या उसको हम एथिक्स में किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है। सो बेंचमार्किंग यहाँ पे क्या है, बेंचमार्किंग इज डिफाइंड एज अ फिक्सिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड्स सो दैट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन टू द प्रोसेस डू नॉट डेविएट फ्रॉम दीज स्टैंडर्ड्स टू अचीव द एक्सीलेंस। ये मैं आपको बेंचमार्किंग में बता चुकी हूँ। एक तरीके से हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करना है कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हो तो हमें वो परफेक्ट, वो एक्सीलेंस ही अचीव करने के लिए हम उस स्टैंडर्ड से डेविएट ना हो। ठीक है, तो जो भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो, जैसे मान लो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो हमें अगर कोई मान लो एक्स प्रोडक्ट बनाना है तो हम ये देखते हैं कि उस एक्स प्रोडक्ट का सिमिलर क्या है मार्केट में। तो फॉर एग्जांपल अगर वाई या एक्स डेक्स मान लो उसका सिमिलर प्रोडक्ट है, तो हमें अपने इस प्रोडक्ट के नए लॉन्च के लिए उसका एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा जो इस प्रोजेक्ट पे था, कि उतना तो होना ही चाहिए। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा उसके अंदर फैसिलिटीज दोगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है या प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे से मार्केट में वर्क कर पाएगा। यही बेंचमार्किंग की एक मेन स्ट्रेटेजी होती है। कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, अगर आपको मान लो जैम बनाना है, वॉशिंग पाउडर है, कुछ भी, अगर फॉर एग्जांपल वॉशिंग पाउडर ही बनाना है तो आप पहले मार्केट में देखोगे कौन कौन से हैं, लाइक सर्फ एक्सेल है, निरमा है, जो भी है तीन चार, वो सब देखोगे। उन सब की क्वालिटीज और वो सारा चेक करने के बाद आप एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करोगे कि अगर मुझे यहाँ पे कोई वॉशिंग पाउडर बनाना है तो उसका मिनिमम स्टैंडर्ड तो इतना होना ही चाहिए, क्योंकि इनमें से जो बेस्ट है वो मिनिमम ये है और उसके उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटीज देनी है। तो इसी तरीके से हम एथिक्स के अंदर भी ये हम कैसे यूज कर रहे हैं कि जो हमारी पब्लिक सर्विस है दैट कैन बी बेंचमार्क्ड बाय द फॉलोइंग वेज। तो जो हम पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एथिक्स में हम यहाँ पे अभी क्या पढ़ रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस, तो जो आप पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उनको भी एक बेंचमार्क देना पड़ता है कि आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। तो एथिक्स में ये सारे क्या है, पब्लिक सर्विसेज में बेंचमार्क आर रिलायबल होना चाहिए, ए अश्योरेंस, टी टेंजिबल, ई एम्पथी, रिस्पॉन्सिव एंड इफेक्टिवनेस। तो ये जो है ये बेंचमार्क है, ये आप सेट करते हो और उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग आप काम करते हो कि आपको इतना जो है वो स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो एक एक टर्म को हम देख लेते हैं ये होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अगर रिलायबल की बात करूं तो क्या मीनिंग है रिलायबल का, इट इज डिफाइंड एज कॉन्फिडेंस इन प्रोवाइडिंग अन इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पब्लिक सर्विस। जो भी आप पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो आप किस तरीके से प्रोवाइड करो, अन इंटरप्टेड सप्लाई, इस चीज के कॉन्फिडेंस को डिफाइन करता है रिलायबल। ये आपने एक नॉर्मल सी टर्म है, आपने काफी बार यूज किया होगा कि ये प्रोडक्ट रिलायबल है या नहीं है। इन चीजों को मैं यहाँ पे आप सर्विस की तरह ट्रीट करोगे, लेकिन इस टर्म को समझने के लिए कि हो सकता है मैं कोई एग्जाम्पल प्रोडक्ट का दूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप बात करो कि कोई वॉशिंग मशीन है या फिर आप फ्रिज है आपका, कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा आइटम है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, क्या पूछते हैं कि कितना रिलायबल है। कितना रिलायबल है का क्या मतलब हुआ कि कितने टर्म तक हमें वो काम कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। मतलब आज मैंने अगर कोई प्रोडक्ट लिया तो ऐसा क्या है, कितने लंबे टाइम तक मुझे उसकी कोई सर्विस नहीं करवानी पड़ेगी या फिर कोई भी उस मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, कि मुझे कभी भी किसी भी सर्विस सेंटर पे जाना पड़े या किसी को भी बुलाना पड़े कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो मिनिमम 5 साल मान लो, 6 साल मान लो, कि 6 साल तक रेफ्रिजरेटर है फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी का है, एलजी का है, कुछ भी है, तो आपको इतने साल तक अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिस्टम इतना रिलायबल है। तो यही एथिक्स के टर्म में है कि आप जो पब्लिक सर्विस, हम तो पब्लिक सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो भी सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट बनेंगे, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या करेंगे, आप कितना कॉन्फिडेंस उसके अंदर होगा कि आप अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पब्लिक सर्विस आप दे रहे हो उनको। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस से ही आपको उसकी रिलायबिलिटी का पता चलेगा। सेकंड, आपको क्या मेंटेन करना है, अश्योरेंस। अश्योरेंस क्या है, इट इज डिफाइंड एज कॉन्फिडेंस इन प्रोवाइडिंग द पब्लिक सर्विसेज एट एनी कॉस्ट। क्या कॉन्फिडेंस है कि पब्लिक सर्विस आप प्रोवाइड करोगे किसी भी कॉस्ट पे, इस चीज की अश्योरिटी आप दिला रहे हो किसी को। ठीक है, दैट इज ऑल द ऑल्टरनेटिव शुड बी एक्सप्लोर्ड सो दैट अ कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम कैन बी ऑब्टेंड। आप सारे उसके ऑल्टरनेटिव को यूज करोगे ताकि आपको एक अच्छा, मतलब एक अच्छी सर्विस आप प्रोवाइड कर पाओ। तो इस तरीके का एक अश्योरिटी दोगे आप, अगर आप कोई भी आप किसी भी पोस्ट पे अपने आप को मान लो, तो आप इतना तो कॉन्फिडेंस लोगे कि जैसे किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको अश्योर करा सकते हो, इतना
इतना कॉन्फिडेंस हो और पब्लिक को भी आपके अंदर हो कि आप जो भी काम होगा, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो एट एनी कॉस्ट आप वो सर्विस प्रोवाइड करोगे, ये अश्योरिटी है, ठीक है। और वो अनइंटरप्टेड आपकी पब्लिक सर्विस जो वो आप सप्लाई कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, वो रिलायबल सिस्टम है। तो आपको ये बेंचमार्क सेट करना है कि इतना रिलायबल भी होना चाहिए, अश्योरेंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द टेंजिबल। टेंजिबल क्या है? इट इज फिजिकल वैलिडेशन ऑफ पब्लिक सर्विस बाय एसोसिएटिंग द क्वालिटी पैरामीटर्स। तो ये क्या है, एक तरीके से जो पब्लिक सर्विस है, अगर आप उसको, मतलब ये तो सर्विसेज होगी, लेकिन अगर मान लो आप एक उसका एक टेंजिबल टच देना चाहोगे, कि किस तरीके से, मतलब कैसे आप दिखा सकते हो उसको, या आप किस तरीके से वैलिडेट कर सकते हो कि आप पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो एक तरीके का व्यू क्या है, बाय एसोसिएटिंग द क्वालिटी पैरामीटर्स। कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, अगर आप उनको एसोसिएट करते हो, फॉर एग्जांपल वाटर या एयर क्वालिटी पैरामीटर है, इससे तो क्या है कि उनको ये पब्लिक सर्विस एक तरीके से फिजिकली दिखेगी कि हाँ ऐसा है, टेंजेबल टर्म्स में। नेक्स्ट वन इज द एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? टू डेवलप आर रोबस्ट ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म। मतलब एक जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का एक काफी रोबस्ट अगर आप मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, एम्पैथी। एम्पैथी का मीनिंग भी आपको अच्छे से पता होगा, एम्पैथी और सिंपैथी इसमें डिफरेंस क्या है। जो आई थिंक ये किसी वीडियो में, किसी वीडियो में ही, मैं जो प्लेलिस्ट है वो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना, उसमें एम्पैथी मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वो भी आपको डेवलप करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? टाइमली एंड क्विकली सप्लाई ऑफ पब्लिक सर्विस। रिस्पॉन्सिवनेस की कितने ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो, कितना टाइमली, कितनी जल्दी जो है पब्लिक सर्विस की सप्लाई उसमें हो रही है। तो रिस्पॉन्सिव, जैसे आपने कोई भी प्रोजेक्ट दिया, कोई भी प्रोडक्ट दिया, तो आप कितने ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी प्रोडक्ट लिया, मैं आपसे आपकी सर्विसेज पूछ रही हूँ कि आप किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हो, और आपने कहा कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम विद इन 1 आवर या विद इन 2 आवर, विद इन अ डे जो है वो हम उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये आपका रिस्पॉन्सिवनेस है। तो पब्लिक सर्विसेज में भी सेम आ जाएगा कि कोई भी चीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप कितना टाइमली और क्विकली जो है वो पब्लिक सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हो, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट वन इज द इफेक्टिवनेस। टू डेवलप अ सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज। तो जो भी पब्लिक है, पब्लिक के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी उसके पॉइंट्स हैं, जो भी उनका डिस्कशन है, कुछ भी है, तो उनके लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस को डेवलप करना। तो ये सारे क्या है, एक बेंचमार्क है, एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड है कि आपको इनके अकॉर्डिंग ही सारे काम करने हैं। मतलब एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, एक्सीलेंट लाने के लिए, क्योंकि जब तक इंसान के पास कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा कि आपको क्या मेंटेन करके रखना है, तो आप अपने हिसाब से ही काम करते रहोगे और आपको वही बेस्ट लगता रहेगा कि यही बेस्ट है। तो इसलिए जो बेंचमार्किंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है पब्लिक सर्विसेज के अंदर, सिविल सर्विसेज के अंदर, कि बेंचमार्किंग आप जब तक सेट नहीं करोगे तो आपका काम इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। और इसमें आपको जो दो तीन टर्म देखनी है वो क्या है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सिंपैथी, आइए एक तरीके से आप अपना होमवर्क भी कंसिडर कर सकते हो, ये प्लीज जरूर देखिएगा अगर आप एथिक्स को सीरियसली पढ़ रहे हो तो। सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हो पाया, पॉसिबल हुआ तो मैं इसकी वीडियो बना पाऊंगी, नहीं तो डेफिनेटली इनका जो डिफरेंस है वो मैं फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टाग्राम के पेज पे पक्का इनके डिफरेंस को डालूंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वीडियो में मैं हर टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बना पा रही, तो कुछ डिफरेंस हो गए, कुछ छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ टर्म्स हो गई डेफिनेशन की इन्फॉर्मेशन, तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे डालने स्टार्ट की है। तो अगर आप देख पाओ, अगर आपके पास टाइम हो, तो आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सेकेंड आपको डिफरेंस क्या देखना है, इफेक्टिव और एफिशियंट। इफेक्टिव एंड एफिशियंट, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ टर्म्स, इन दोनों में डिफरेंस। और यहां से आप एक क्या देखोगे, एम्पैथी, सिंपैथी और कंपैशन के अंदर डिफरेंस देखोगे, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस और एक टर्म और थी शायद, नहीं वो तो अकाउंटेबिलिटी है, मैं दोबारा भी बता रही हूँ, मैं लास्ट वीडियोज में भी बता चुकी एथिक्स की, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों के अंदर डिफरेंस। तो इनके जो डिफरेंस है, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी तो भी मैं पक्का इनका डिफरेंस जो है वो इंस्टा पे डाल दूंगी। नेक्स्ट वन है आपका, बाकी तो टर्म जो है वो ठीक है, रिलायबल, रिलायबल आपका सिस्टम है, और एक हो जाएगा आपका, और दूसरा है आपका ड्यूरेबल, सॉरी ड्यूरेबल। तो
तो रिलायबल और ड्यूरेबल में क्या डिफरेंस है, तो ये आपका होमवर्क है। प्लीज इन सारे टर्म्स को आप एक बार सर्च करना, ये होते क्या है, क्योंकि इनका डिफरेंस आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस में भी छोटे छोटे टर्म्स में आ जाता है, दोनों ही टर्म दिए होंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका क्या मीनिंग है, और ऑप्शन जो है वो गलत सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, इतना आपके लिए सफिशियंट है। आई होप आपको वीडियो कुछ यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।